हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अंडरटोन के बारे में कि आप किस अंडरटोन में आते हैं और आपकी स्किन को कौन सा फाउंडेशन कलर मैच करेगा। अगर आप रिस्ट की बैक साइड देखेंगे, आपकी जो वेन्स हैं, अगर ये ग्रीन आ है तो आप आते हैं वार्म अंडरटोन में। अगर ये पर्पल और ब्लू का शेड है तो आप आते हैं कूल अंडरटोन में, मीन्स पिंकिश टाइप ऑफ फाउंडेशन। और अगर आपके वेन्स ग्रीन एंड पर्पल और ब्लू का मिक्स है तो आप आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन या पीच टोन में। अब मैं आपको बताती हूँ फाउंडेशन के टाइप। फाउंडेशन क्रीम होते हैं, स्टिक होते हैं, लिक्विड होते हैं एंड लास्ट पाउडर। पाउडर फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए यूज़ करते हैं, इवन आप ऑयली से ड्राई में भी यूज़ कर सकते हैं। अपना बेसिक फाउंडेशन लगाने के बाद आप पाउडर से सेटिंग कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए होते हैं, कोई भी स्किन का टाइप इसे यूज़ कर सकता है, ये ब्लेंड करने में बहुत ही ईजी होते हैं। स्टिक फाउंडेशन, ये हाई एंड्स में आते हैं और इन्हें ब्लेंड करना बहुत ही टफ होता है। ये ऑयली स्किन के लिए यूज़ होते हैं, खासकर इसे टेलीविजन के पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लास्ट क्रीम फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन ड्राई स्किन से लेके कॉम्बिनेशन स्किन तक यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ फाउंडेशन लेते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, जब आप फाउंडेशन ले रहे होंगे तो आप उसे कभी भी अपनी रिस्ट पर ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्ट का कलर आपके फेस की स्किन कलर से बहुत डिफरेंट होता है। तो आप उसको अपनी फेस से नेक की लाइन, जॉ लाइन पर ट्राई करेंगे। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। जैसे आपने फाउंडेशन लिया, अपने फेस से लेके आप नेक तक जाएंगे, और अगर ये नेक पे आके मिक्स नहीं हो रहा है तो दिस इज नॉट योर काइंड ऑफ फाउंडेशन, ये आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा। सेकंड, मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको। ये फाउंडेशन देखिए मेरी नेक की स्किन पे आके मिक्स हो जा रहा है, इट मीन्स इट इज अ गुड मिक्स ऑफ माई स्किन कलर। तो ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मीन्स जब भी आप फाउंडेशन लें तो अपने फेस से लेके अपने नेक तक ट्राई करें, अगर नेक पे कलर आके मिक्स हो जा रहा है मीन्स ये आपका बेस्ट शेड है। नेक्स्ट, आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी फाउंडेशन लेते समय आप येलो लाइट में ना रहें। अगर आप येलो लाइट में हैं तो कोशिश करें बाहर निकल के आप नेचुरल लाइट में अपने फाउंडेशन का कलर चेक करें, क्योंकि येलो लाइट में कोई भी कलर बहुत ही चेंज लगता है, तो आपको फाउंडेशन का रियल कलर नहीं समझ में आएगा। एक टेक्निक और है कि अगर आपने कोई फाउंडेशन लेना है तो आप उसे फर्स्ट ट्राई करके अपनी फ़ोटो लें या सेल्फी लें। अगर उस फोटो में आप वाइटिश दिख रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट कलर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कभी भी आप फाउंडेशन लेते समय बॉटल पे ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्म अंडरटोन होता है, कूल अंडरटोन होता है, पीच या कॉम्बिनेशन स्किन का अंडरटोन होता है, तो बॉटल पे ऑलमोस्ट लिखा होता है कि वो किस कलर का, किस अंडरटोन में आता है। आप उस पर ध्यान दें, जैसे कूल बफ या वार्म बेज, सन बेज, इस तरह से करके लिखा होता है, तो आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं अपने अंडरटोन को चेक करने के बाद। लास्ट एंड माय फेवरेट, अगर आपके स्किन कलर का फाउंडेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप दो कलर को लें जो आपको लगे आपकी स्किन के आसपास हैं, उनको मिक्स करें और अपने फेस पे ट्राई करें। मैंने भी ये टेक्निक ट्राई की हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं किस स्किन टाइप में आती हूँ। इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं जो फाउंडेशन आपके पास है और आप नहीं उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो मिक्स एंड मैच करके आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको अंडरटोन समझाने की कोशिश की है। आई होप ये टेक्निक्स आपको पसंद आई हों। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।